कुकी जी, आज मीडिया को निमंत्रण यहाँ पर दिया गया है, क्या कारण रहा, किस वजह से जो है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का उद्देश्य ये है कि अब चुनाव का बिल्कुल कम समय रह गया, अब दिन ही नहीं घंटों के हिसाब से समय रह गया। सब अपने अपने हिसाब से हम ज्यादा से ज्यादा जनता तक, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक अभी तक हमने पहुंचने का प्रयास किया। लोगों का प्यार स्नेह मिलने में कहीं कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर कहीं हम पहुंच नहीं पाए तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारी माताएं, कोई बहन, कोई बुजुर्ग, कोई युवा, कोई भाई, कहीं कोई गांव में, कहीं कोई डाणी में हम नहीं पहुंच पाए, इसके लिए हमें, आप ये मत सोचिएगा कि हमने प्रयास नहीं किया, हर संभव प्रयास कर रहे हैं। अनजाने में अगर कहीं हम नहीं पहुंच पाए तो कृपया उसे यही समझे कि मैं आपके पास मीडिया के माध्यम से पहुंचने की कोशिश कर रहा हूं। आप सबसे प्रार्थना कर रहा हूं कि 22 तारीख को ज्यादा से ज्यादा मतों में उगता सूरज पे बटन दबाकर आप मेरा साथ देने का, हमारे गांव राम का, हमारे पूरे क्षेत्र के विकास का, अब आगे आने वाले समय में जो हमें एक सामाजिक और अच्छे जो नेक काम करने हैं बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए, उसमें आप योगदान देने का काम करेंगे, उस बटन को दबाकर अपने क्षेत्र का विकास करने का काम करेंगे, अपने क्षेत्र को मजबूत करने का काम करेंगे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है कि आप अपने आप को समझें कि आपका बेटा, आपका भाई, आपके घर, आपके ढाणी में आपके पास इस सोशल मीडिया के माध्यम से आ रहा है। आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप मेरे को ये मौका दें, आपका विश्वास कभी कमजोर नहीं किया जाएगा, क्षेत्र का विकास होगा, क्षेत्र का नाम होगा, अपने गांव राम, अपने एरिया का, पूरे जिले में नाम रोशन करने का काम किया जाएगा। ये आप मेरी प्रार्थना पे गौर करें, अपने आप को सब प्रत्याशी समझें, यही मेरी आपसे विनती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कुकी जी, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। अक्सर जो है, चाहे चुनाव किसी भी लेवल का हो, और बहुत सारे प्रत्याशियों की तरफ से देखने को मिलता है कि चुनाव से ठीक पहले जो है गुलाबी नोट या लाल परी जो है बांटनी शुरू कर दी जाती है वोट बटोरने के लिए, क्या आपके वार्ड के अंदर भी किसी प्रत्याशी की तरफ से या कहीं पर भी आपको ऐसी कोई समस्या या ऐसी कोई जानकारी सुनने में मिली है कि क्या आपके वार्ड में भी इस तरीके के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल, हमारे पूरे गाँव खारिया, गाँव डोपी, बांडेड़ी, बुड़ाक, इवन की बाल्समन, सुंडावास, बासड़ा और गावड़ में, पूरे क्षेत्र में, पूरे कहीं भी कोई आदमी ये नहीं कह सकता कि हमारे साथियों ने या हमारे जितने भी टीम बनी हुई इस चुनाव को लेके किसी भी गलत हथकंडा अपनाया गया है। हम इस चुनाव में भाईचारे को मजबूत करने के लिए आए, उस भाईचारे के बीच में एक विश्वास का अभाव हो गया था, उसको मजबूत करने के लिए आए, उसे कायम करने के लिए आए। अनेकों हमारे पास भी फोन आते हैं कि भाई साहब क्या करेंगे, कुछ लोग इस तरह का खर्चा मांग रहे हैं। हमने साफ कहा कि आप माफ करें और इन सब चीजों से हटें। ये सब चीजें करने से आपका आचरण, आपका विश्वास कमजोर हो रहा है। क्यों हम छोटी सी इस राशि के लिए अपना आचरण कमजोर करें? अगर कोई धन की खर्चने की आवश्यकता है तो बच्चों की शिक्षा पे खर्चेंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य पे खर्चेंगे। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो आज सर्दी के अंदर, अगर किसी के पास निक्कर है तो पूरी पैंट नहीं है उसके पास, किसी पे पैंट है तो फुल स्लीव की टी शर्ट नहीं है, किसी पे दोनों है तो सॉक्स और उसके पास शूज नहीं है। तो सब पैसा अगर हम खर्चेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं कि भगवान की असीम कृपा से इस लायक हमें बनाया गया है परमात्मा ने कि हम कोई सामाजिक काम करें तो किसी की तरफ हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं है। बहुत से मेरे साथी हैं, हमारा पूरा गांव है, तन मन धन से, मालाओं से, हर चीज से मेरा साथ दे रहे हैं। साधनों से कोई कमी नहीं है, खाने पीने की कोई कमी नहीं है, भाईचारे की कोई कमी नहीं है। हिसार से, राजस्थान से, पंजाब से जो मेरे मित्र हैं, फोन कर करके इस चीज का साथ देने का वादा कर रहे हैं। लेकिन हमने प्रयास किया कि चुनाव भाईचारे का चुनाव है। हमारा गांव तन मन धन से लगा हुआ है, खारिया गांव तन मन धन से लगा हुआ है। हर वो गांव बांडेड़ी, बुड़ाक, बाल्समन, सुंडावास, बासड़ा, गावड़, हर वो व्यक्ति हमारे साथ तन मन धन से, वो ये उम्मीद कर रहा है कि इस तरह के हथकंडे ये लोग नहीं अपनाएंगे, ये बच्चों की शिक्षा की तरफ ध्यान देंगे, महिलाओं के स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देंगे, कोई बातचीत होगी तो वे विश्वास के साथ करेंगे। हम कोई भी ऐसा हथकंडा नहीं अपनाना चाहते जो छोटा लालच हो। अगर हमें नेतृत्व मजबूत रखना है तो इस तरह के लालच को त्यागना पड़ेगा। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ गाँव के हर व्यक्ति से, क्षेत्र के हर व्यक्ति से, कि इस छोटे लालच में ना आकर अपने आचरण का पतन ना करें, अपने गांव को, अपने समाज को कमजोर ना करें। ये बिल्कुल गलत है। भाईचारे में अगर आपको लगता है कि मैं योग्यता पे कहीं खरा उतरता हूँ तो मुझे वोट देके हमारे को मजबूत करने का काम करें, और अगर नहीं है तो गलत हथकंडों में ना आए।